इधर खंडवा नगर निगम चुनाव में भी पहली बार AIMIM अपने प्रत्याशी उसने उतारे हैं और इसके समर्थन में शनिवार को यहां प्रचार करने असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हैं। ओवैसी ने MP में तीसरी ताकत बनकर उभरने का दावा किया है। यहां ओवैसी ने कांग्रेस और BJP दोनों पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने यह भी कहा कि न रोड है न स्ट्रीट लाइट है, फिर भी BJP का वोटर का कहना है कि ओवैसी को रोकना है, इसलिए BJP को वोट देना है। खंडवा में ओवैसी की पार्टी ने महापौर सहित 11 वार्डों में अपने पार्षद प्रत्याशी उतारे। भारत में अगर किसी सियासतदान पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझे इन इल्जाम की परवाह नहीं है। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और IPS और IAS ऑफिसर बन जाए। तुम उसको वही टायर का पंक्चर बनाकर देखना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी ये पैगाम देने आया है कि टायर का पंक्चर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाएगा इंशाल्लाह।